हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं मानव के नर मेल के जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम के संबंध में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। पुरुषों में एक जोड़ी वृषण प्रमुख जननांग होते हैं, इनके अतिरिक्त शेष सहायक जननांग होते हैं। पुरुष के जननांगों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, तो इसमें पहला वृषण कोश, दूसरा वृषण, तीसरा अधिवृषण जिसको एपिडाइडामिस कहते हैं, चौथा वास डिफरेंस नर जनन वाहिनियाँ या शुक्रवाहिनियाँ कहते हैं, पांचवा मूत्र मार्ग या सिस्न यूरेथ्रा और पेनिस का होता है, छठवा एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स होते हैं जिसमें सेमिनल वेस्किल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपस ग्रंथियां स्थित होती हैं। तो भ्रूणावस्था में वृषणीय वृक्कों के निकट पश्च उदरावरण से विकसित होकर दो वृषण उदर गुहा में उभरे होते हैं। भ्रूणीय विकास के पूरा होते होते कुछ हार्मोनों के प्रभाव से दोनों वृषण हमारे धड़ के सामने की ओर टांगों के बीच में लटके थैलीनुमा कोष में उतर आते हैं। इस कोष को वृषण कोष या अंड कोष कहते हैं। वृषण कोष पर पतली और ढीली ढाली रोमयुक्त त्वचा स्थित होती है। कोष के दूसरे अर्थात छोर भाग में त्वचा के नीचे ढीले संयोजी ऊतक का और इनके नीचे अरेखित पेशी तंतुओं का बना मोटा अधस्त त्वचीय अस्तर होता है जिसे डार्टोस पेशी कहते हैं। तो ये वृषण मानव में उदर गुहा से अलग स्थित होता है, क्योंकि उदर गुहा का टेम्परेचर अधिक होता है, उस ताप पर शुक्राणुओं का निर्माण मानव में नहीं होता या स्तनधारी प्राणियों में नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर सभी स्तनधारी प्राणियों के वृक्क वृषण कोष में उदर गुहा से अलग स्थित होते हैं। इनकी वृक्क की संरचना 5 सेंटीमीटर लंबी और 2 से 5 सेंटीमीटर गोल मोटी गुलाबी सा और अंडाकार होती है। इसका भार 10 से 15 ग्राम होता है। यह मानव का प्रमुख जनन अंग कहलाता है, क्योंकि इसी के अंतर्गत शुक्राणुओं का स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा निर्माण होता है। इससे निकल करके आप देख रहे हैं ये शुक्रवाहिनियाँ हैं जिनको नर जनन वाहिनियाँ कहते हैं। ये कोडा एपिडाइडामिस में पहुंचकर एपिडाइडामिस नलिका कम कुंडलित तथा कुछ मोटी हो जाती है और अंत में बिल्कुल सीधी होकर शुक्रवाहिनी के रूप में अधिवृषण अर्थात एपिडाइडामिस के ऊतक के बाहर निकल आती है। इसके बाद है मूत्र मार्ग या सिस्न की संरचना। तो मूत्र मार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नाल के रूप में होता है जो मूत्राशय से प्रारंभ होकर पुरुष के सिस्न के शिखर पर मूत्रोजनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। ऊपर से नीचे की ओर यह क्रमशः 3 भागों का बना होता है। इसमें प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग होता है आगे की तरफ, दूसरा झिल्ली मूत्र मार्ग होता है, तीसरा सिस्नीय या स्पंजी मूत्र मार्ग होता है। इसके अतिरिक्त पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं। इस सहायक जनन ग्रंथियों में सेमिनल वेस्किल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्रंथियां भी स्थित होती हैं। तो स्टूडेंट, ये है मानव के पुरुष के नर जनन तंत्र की संरचना, जिसके विषय में आपको मैंने एक संक्षिप्त जानकारी दी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।